ओकिनावा द्वीप के पास मिसाइलें दागना चीन को भारी पड़ सकता है। चीन को चेतावनी दे रहा है जापान, अब ड्रैगन के खिलाफ कड़ी घेराबंदी की बात कर रहा है। चीन की घेराबंदी तेज हो सकती है। ड्रैगन का धुर विरोधी जापान भी चीन को घेरने की कोशिशें कर रहा है। जापान ने चीन को चेतावनी भी दी है। जापान ने ताइवान के पास चल रहे चीन के युद्धाभ्यास पर भी कड़ा एतराज जताया है। जानकारों का मानना है कि अगर चीन और ताइवान युद्ध नहीं भी हुआ तो इसी बहाने जापान और उसके मित्र देश चीन की घेराबंदी करेंगे। गुरुवार को चीन की तरफ से 9 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, जिनमें से 5 जापानी क्षेत्र में गिरी। जापान ने चीन को चेतावनी दी कि चीन को ताइवान के आसपास अपने सैन्य अभ्यास को तत्काल रोक देना चाहिए। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने चीन की बारूदी हरकत को क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। जापान का मानना है कि ताइवान के पास युद्धाभ्यास गंभीर समस्या बन सकता है। दरअसल चीन जो नौसैनिक अभ्यास कर रहा है उसकी जद में दक्षिण पश्चिम जापान के कुछ द्वीप भी आ रहे हैं। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जापान के साकिशिमा, योनागुनी, इशिगाकी, मियाको द्वीप पर चीनी सैन्य अभ्यास का असर पड़ सकता है। योनागुनी और मियाको द्वीप ताइवान से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर हैं। ये ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बेस हैं। ताइवान को लेकर अमेरिका के खिलाफ चीन का एक्शन। चीन और अमेरिका के बीच होने वाली बातचीत अब रद्द हो गई है। सुरक्षा अधिकारियों के बीच होने वाली मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। अवैध अप्रवासियों, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के मुद्दे पर यह मीटिंग होनी थी, लेकिन अब इस मीटिंग को रद्द कर दिया गया है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा ने अमेरिका और चीन के बीच रिश्तों में इतनी कड़वाहट घोल दी है कि अब चीन ने अमेरिका के साथ सामान्य तौर से अलग अलग मुद्दों पर होने वाली बातचीत भी रद्द कर दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि चीन और अमेरिका के बीच होने वाली सुरक्षा अधिकारियों की बातचीत कैंसिल कर दी गई है। ये भी जानकारी दी गई है कि दोनों देशों के बीच अवैध अप्रवासियों, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय अपराध की जांच पर सहयोग को निलंबित कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, चीन ने नैन्सी पेलोसी और उनके परिवार के चीन आने पर भी पाबंदी लगा दी है। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए चीन और अमेरिका के बीच एक मजबूत सहमति बन चुकी थी। ग्लासगो में पिछले साल के जलवायु शिखर सम्मेलन में भी चीन ने उत्सर्जन में कटौती के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की हामी भरी थी, लेकिन पेलोसी की ताइवान यात्रा ने इन तमाम सहमतियों को एक झटके में तोड़ दिया है और चीन बुनियादी मुद्दों पर भी अब अमेरिका का साथ देने को तैयार नहीं है। तस्वीर बिल्कुल साफ है कि नैन्सी के ताइवान दौरे ने दोनों देशों के बीच इस कदर खटास भर दी है कि ड्रैगन ने अब सुपर पावर को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया है। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।